Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today we will discuss on the topic what is the action of antibiotics on bacteria. आज हम लोग antibiotics का action देखेंगे bacteria के ऊपर और देखेंगे कि हमारे bacteria के अंदर कौन कौन से mechanism operate होते हैं और उन mechanisms को कैसे हमारे antibiotics यहाँ पे block करते हैं. हमारे bacteria के अंदर different different types के mechanism, different different types के activities ऑपरेट होती हैं और इन जो हमारी एक्टिविटीज हैं या जो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म है उनको हमारे एंटीबायोटिक्स कैसे ब्लॉक करते हैं या उनको कैसे इनहिबिट करते हैं, ये ही आज का हमारा टॉपिक है. फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं. यही उन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि यहाँ से हर बार गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 100% फिक्स है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि सर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे शूट करने जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ में ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन कौन से एंटीबायोटिक कौन कौन से मैकेनिज्म को हमारे बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट कर रहे हैं. आप लोगों को इस वीडियो को या इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से. डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा होता है इसको इनहिबिट करते हैं हमारे दो एंटीबायोटिक. एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिन, दूसरा होता है हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिन. सेकंड जो हमारा पॉइंट है ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस से, यानी हमारे ट्रांसलेशन मैकेनिज्म से है. ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो है इसमें हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे बैक्टीरिया के अंदर. तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है इसमें हमारे दो राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं. एक हमारे होते हैं 50S राइबोसोम और एक होते हैं हमारे 30S राइबोसोम. बट ये दोनों राइबोसोम हमारे आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. तो ये हमारी होल स्ट्रक्चर हो जाती है हमारे राइबोसोम की. जो 50 सब यूनिट है हमारे राइबोसोम की उसको डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक. उसमें फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है हमारा इरिथ्रोमाइसिन. 50 सब यूनिट के साथ में राइबोसोम की बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर ब्लॉक कर देता है एरिथ्रोमाइसिन. एक होता है हमारा क्लोरामफेनिकोल, ये 50 सब यूनिट के साथ में राइबोसोम की बाइंड होता है. एक होता है हमारा सिलिंडामाइसिन, एक होता है हमारा लिंकोमाइसिन. ये बात होगी 50 सब यूनिट की. हम लोग बात करते हैं 30S सब यूनिट की राइबोसोम की. तो ये इनहिबिट की जाती है टेट्रासाइक्लिन से, स्ट्रिप्टोमाइसिन से, स्ट्रिप्टोनियोमाइसिन से और जेंटामाइसिन से, कैनामाइसिन से, अमीकासिन से और नाइट्रो ट्राइन से ये इनहिबिट होती है 30S राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है. अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो इनहिबिट की जाती है वो दो एंटीबायोटिक से इनहिबिट की जाती है, पॉलीमाइसिन से और डेप्टोमाइसिन से. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए. टीआरएनए को जो इनहिबिट करता है एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस वो होते हैं हमारे म्यू पाइरोसिन और एक होता है हमारा प्यूरोमाइसिन. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस. जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो तो हमारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल. तो सेल वॉल सिंथेसिस जो होती है उसको जो हमारे एंटीबायोटिक ब्लॉक करते हैं उसको, वो एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ पे हैं और ये हमारा सेल वॉल सिंथेसिस जो मैकेनिज्म होता है इसको ये हमारे सभी एंटीबायोटिक्स ब्लॉक करते हैं. तो इसमें हमारा है साइक्लोसेविन फर्स्ट एंटीबायोटिक, वैनकोमाइसिन, बेसिलिक्रिसिन, पेनिसिलिन और हमारे सेफलोस्पोरिन और हमारे मोनोबैक्टर्स और हमारे कार्बामेंस, ये हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं. अब हम लोग बात करते हैं फोलिक एसिड मेटाबोलिज्म की. जो फोलिक एसिड मेटाबोलिज्म होता है ये ऑपरेट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम से. तो टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम को जो हमारे एंटीबायोटिक ब्लॉक करते हैं वो हमारे ट्राई मेथोप्रिन और एक होता है हमारा सल्फोनामाइड्स. तो ये हमारे टेट्राहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने आरएनए इलोंगेशन की. आरएनए इलोंगेशन जो है इसको इनहिबिट जो हमारा एंटीबायोटिक करता है वो करता है हमारा एक्टिनोमाइसिन. अब हम लोग बात करते हैं डीएनए काइनेज की. डीएनए काइनेज को जो इनहिबिट करते हैं वो हमारे क्यूएनोलनेस
फैमिली के एंटीबायोटिक होते हैं, ये एंटीबायोटिक डीएनए का बेस को इन्हिबिट करते हैं। तो एक हमारा नेसमेनालिसिक एसिड, एक हमारा सिप्रोफ्लोक्सिन, एक हमारा नोवोबिसिन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया कि एमआरएनए को कौन से एंटीबायोटिक ब्लॉक करते हैं, हमारे डीएनए को कौन से एंटीबायोटिक ब्लॉक करते हैं, और हमारे राइबोसोम को, प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया। टीआरएनए को कौन कौन से एंटीबायोटिक ब्लॉक करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया म्यूपायरोसिन और हमारा प्यूरोमाइसिन। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे मैकेनिज्म है उन मैकेनिज्म को ब्लॉक करते हैं हमारे ये सभी एंटीबायोटिक्स। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।